अगर लखीमपुर जनपद की हम बात करें तो यहाँ योगेश वर्मा, उत्कर्ष वर्मा, मोहन और रविशंकर मैदान में हैं। इनके बीच कांटे की टक्कर। देखिए साहब, तो बताऊंगा कि सदर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर तिकोड़ी मामला खोल कर देखा जा रहा है, क्योंकि मोहन वाजपेयी एक सामाजिक कार्यकर्ता माने जाते हैं, क्योंकि समाज से जुड़े रहते हैं वो, कहीं ना कहीं जो निचले तबके लोग हैं उनसे उनसे लगातार जुड़े रहते हैं। और अगर यानी बीएसपी को फायदा हो सकता है यहाँ पर जनपद में, बीएसपी को फायदा हो सकता है। मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से निचले तबके से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी को लेकर काम काज की बात हो, तो कहीं ना कहीं मोहन वाजपेयी आगे रहते हैं। अगर हाँ उत्कर्ष वर्मा की बात की जाए, तो उत्कर्ष वर्मा पूर्व विधायक है और योगेश वर्मा ने उनको चचा, सगे चचा भतीजे है उत्कर्ष और योगेश वर्मा, तो कहीं ना कहीं चचा ने भतीजे को मार दी थी और चाचा विधायक बने थे। क्योंकि इस बार फिर योगेश वर्मा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और कहीं ना कहीं केंद्रीय जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेरी, उन्होंने अब से 2 से 3 दिन पहले उनके समर्थन में रोड शो किया था और काफी भारी मात्रा में रोड शो में भीड़ भी इकट्ठा। बिल्कुल। और किशन ये भी बताइए कि मतदाता कितना ज्यादा जागरूक है, क्योंकि मतदाता को जागरूक करने के लिए खुद लगातार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि लोकतंत्र का महापर्व है तो इसका हिस्सा बनिए। तो ऐसे में मतदाता कितना जागरूक है? आपके पीछे कुछ मतदाता भी मुझे नजर आ रहे हैं, क्या उनसे बातचीत हो सकती है? देखने वाली बात होगी कि 9 बजे मतदान, 9 बजे तक कितना मतदान हुआ, तो ये 2 घंटे बाद क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके से चल रहा है। तब तक 5 बजे तक या 6 बजे तक 100% मतदान होता है, लेकिन अगर प्रशासनिक अधिकारी या राजनीतिक नेताओं की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं वो युवाओं से या जो भी आम जनता है उनसे अपील कर रहे हैं कि मतदान करें, अपने जो मुद्दे हैं उनको लेकर वोट करें। जी।